हेलो दोस्तों, चैनल की एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी लोग चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। साथ ही साथ एक बेल बन करेगा उसको भी प्रेस कर देना, फ्री फायर के हर एक वीडियो और हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और यहाँ पे बात कर लेते हैं वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें हो, टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे हैकर्स के रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे उससे पहले एक चीज़ कि कल आपको जो है गिव अवे देखने को मिलेगा चैट रूम पे, मेरे गेमर जोन का चैट रूम पे कल आपको गिव अवे देखने को मिलेगा 7:00 PM। तो चैट रूम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे एक वीकली मेंबरशिप मिलेगा। आप में से किसी एक बंदे को जो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब देगा उसको ही मिल जाएगा, छोटा मोटा क्वेश्चन का आंसर देके गिव अवे जीतने के चांसेस है। तो अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा जो कि एक वीडियो का लिंक होगा, उस वीडियो को देख के चैट रूम ज्वाइन कर लो, गेमर जोन का चैट रूम ज्वाइन कर लो वी चैट गेमर्स रूम पे। और यहाँ पे जो है आपको गिव अवे कल 7:00 PM मिल जाएगा। तो गिव अवे पार्टिसिपेट ज़रूर करना और चैट रूम ज्वाइन करना बिल्कुल ही मत भूलना। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, कमेंट बॉक्स पे है सबसे ऊपर, जाके एक बार चेक कर लेना अभी तक आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो। अगर आपने ज्वाइन करके रखा है तो कल 7:00 PM एकदम तैयार रहना, बिल्कुल भी लेट मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं उसके बाद जो वीडियो के टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। आज कोई अपडेट का न्यूज़ मैं आपको नहीं देने वाला हूँ, आज मैं दो चीज़ों के ऊपर बताऊँगा, एक तो है टीमिंग और एक है हैकिंग। तो अभी तक आपने पिछले सीज़न पे रैंक सीज़न पे आप सभी जानते हो कि पिछले रैंक सीज़न पे इनविजिबल हैक का बहुत एक इशू हुआ था वहाँ पे, लेकिन गरीना ने होपफुली बहुत जल्दी उसको रिकवर कर दिया, हैक को जो है उन लोगों ने ठीक कर दिया। लेकिन मॉड ऐप के जो हैक यूज़र है उनका जो मतलब नंबर है, क्वांटिटी है, वो कभी रुकता नहीं है। और मतलब ये 2-3 दिन पहले की बात है, जिस वीडियो के मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, क्लिप दिखाऊंगा और पूरा डिटेल्स में विस्तार में मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या था, क्या क्या एक्चुअली हो रहा था, मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा। और मैं क्यों उनको हैकर बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो वीडियो को देखो लास्ट तक, मैं आपको उस वीडियो का क्लिप भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिर टीमिंग के ऊपर। तो टीमिंग के ऊपर भी एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि टीमिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है इन कुछ दिनों में। कहाँ पे हो रही है? शोडाउन मोड पे। और मुझे ये बताने में शर्म आ रही है, मतलब क्या बताऊँ यार, मतलब बताने में ही शर्म हो रही है कि रैंक गेम पे इतना टीमिंग नहीं होता है जो कि शोडाउन में हो रहा है। और इतने अच्छे अच्छे गिल्ड, मतलब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे पॉपुलर गिल्ड जो कि बहुत पॉपुलर है, उन गिल्ड के प्लेयर्स जो है एक साथ टीमिंग कर रहे हैं। मैंने एक गेम पे 4 बंदों को एक साथ टीमिंग करके देखा, 3 की तो बात ही छोड़ो, 3 तो बहुत सारे गेम पे मिल जा रहा है जो कि 3 बंदे एक साथ टीमिंग कर रहे हैं। 2 बंदे तो कॉमन हो चुके हैं, हर गेम पे एक ना एक 2 बंदे टीमिंग देखने को मिल रहा है। और मतलब हद हो गई यार गेम के ऊपर, मतलब गेम को ये लोग गेम की तरह नहीं लेते हैं, गेम एज ए फन लेना चाहिए जो कि मज़े के लिए लोग खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग जो है इसको सीरियसली लेके ऐसे ऐसे करते हैं कि लोगों का खेलने का मन जो है यहाँ पे चला जाता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं उस हैक वाली वीडियो की, तो लास्ट में बात करेंगे टीमिंग के ऊपर। तो यहाँ पे हैक वाली वीडियो आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग सब मिलके एक साथ खेल रहे थे और माथा उस पर हम लोग उतरे थे, और यहाँ पे मैं एक अकेला बंदा था जो कि इस साइड पे था, और मेरे पास यहाँ पे पानी में चलने वाला एक कार था, तो मैं इसको लेके उस साइड पे जा रहा था। और इसी घर के अंदर वो चारों नुबड़े हैकर, नुबड़ा इसलिए बोल रहा हूँ, मैं किसी को नुबड़ा नहीं बोलता हूँ, सभी अच्छे बंदे हैं ठीक है, लेकिन नुबड़ा इसलिए उनको बोल रहा हूँ क्योंकि ये खेलना आता नहीं है, हैक यूज़ करते हैं, इसलिए उनको नुबड़ा बोल रहा हूँ। और ये कोई ग्लिच नहीं है क्योंकि मेरे हर एक बंदे का क्या रिएक्शन था इस वाले गेम के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब मैं बता दूंगा आपको कि मेरे टीममेट्स भी ऐसे सब उनके साथ भी हो रहा था। तो आप मेरे गन की कॉम्बिनेशन एक बार देख लीजिए, मेरे पास एक सबसे लॉन्ग रेंज एयर एमो गन था जो कि M14 है, आप जानते हो M14 का कितना डैमेज आता है लॉन्ग रेंज पे। और मेरे पास भेस्ट की लेवल कम थी, मैं जानता हूँ मेरे पास लेवल भेस्ट का कम था, लेवल 1 का था, फिर भी भेस्ट की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बंदे थे वो चारों के चारों उसी घर के अंदर थे, लेकिन मुझे मारा नहीं इन लोगों ने, मुझे जाने दिया और मैं इस साइड पे पूरा आ गया जब तब इन्होंने मारना स्टार्ट किया। और लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग मरे कैसे थे। तो हम लोग यहाँ पे लगातार इन बंदों को डैमेज दे रहे थे, लगातार डैमेज दे रहे थे। और मेरे पास मतलब बाजू में जो बंदा खड़ा था जो कि मेरे एकदम लेफ्ट साइड पर था, उस बंदे ने इनमें से 2 बंदों को 4 बार हेडशॉट मारा, मतलब 4 बार 180 180 180 करके ऐसे 4 बार हेडशॉट मारा, उनमें से किसी भी बंदे का डैमेज नहीं। हम में से यहाँ पे एक बंदा ऐसा था जिसको डैमेज दे, मतलब जो डैमेज दे रहा था उसके बाद भी कुछ असर नहीं पड़ रहा था देख के, वो सीधा ब्रिज क्रॉस करके चला गया। और उसी बंदों ने इन है नुबड़े हैकर्स को मारा है, मतलब एकदम नुबड़ा हैकर्स थे ये लोग, मतलब किससे मरे हैं वो भी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा किस चीज़ से इन लोग मरे हैं।
मैं इनका इसीलिए नाम नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी बंदे का नाम खराब हो, हैक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, गलती सुधर जाएगी इसकी। अब यहाँ पे देखो, मेरे यहाँ पे लेवल वन की भेज तो चली गई, लेवल वन का भेज तक कुछ नहीं होता है लेवल वन के भेज से, और मेरे जो बंदे था इस बंदे को इन लोगों ने एक शॉट में डाउन कर दिया, फिर भी इस बंदे को एक शॉट में डाउन कर दिया, फिर भी देखो इसका हेलमेट जैसे का ऐसा ही है, मतलब बॉडी पे इतना डैमेज दे रहे थे ये लोग कि एक शॉट में बंदा डाउन हो रहा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो खुद, मैं आपको पूरा का पूरा दिखा रहा हूँ कि ये बंदे एक नहीं थे, बहुत सारे बंदे थे, चार बंदे थे, और देखो डैमेज कितना आ रहा है इनके ऊपर। कुछ भी डैमेज का असर नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था डैमेज का असर। ये लोग मरे तो किस चीज़ से, मैं उसका आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पे क्या चल रहा है। तो मेरे लगातार चार बंदों के डैमेज ये लोग खड़े होकर ले रहे थे और कुछ भी नहीं हो रहा था इनका, कुछ भी नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये लोग मरे किस चीज़ से। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, हमारे एक बंदे ने यहाँ पे ग्रेनेड फेंका और नूबड़े हैकर्स थे चारों के चारों, मतलब यहाँ पे तीन बंदे ग्रेनेड से मर गए। आप सोच सकते हो, मतलब जिन बंदों के ऊपर M14 जैसे गन का डैमेज नहीं आ रहा था, डैमेज आ रहा था, कुछ असर नहीं हो रहा था, उस बंदे लोग मतलब वो लोग नूबड़े हैकर्स थे, वो लोग जो है मतलब ग्रेनेड से मर गए एक साथ। आप जो खुद समझ सकते हो कितने नूबड़े थे ये लोग, और उसके बावजूद ये लोग हैक यूज़ करते हैं। आपको भी जैसे ही कोई हैकर दिखता है यार चीट मारो, जैसे ही चीट मारोगे चीट मारो, या फिर अगर आपको उसका नेम मिल जाता है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये भाई ये हैकर है, ठीक है। कोई फेक फेक मत देना कि फेक, आपके बातों के ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ, तो फेक मत देना कि ये फेक हैकर है, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर किसी के ऊपर गुस्सा है तो उसको हैकर मत बोल देना। लीगल अगर किसी मतलब ये हैकर मिल रहा है आपको कहीं पर भी तो मुझे बता सकते हो कॉमेंट पर आके। आप यहाँ पर बात कर लेते हैं टीमिंग के ऊपर, तो टीमिंग के ऊपर यार मतलब हद हो गई, इतने सारे टीमिंग कर रहे स्लो डाउन मोड पे। मेरे साथ लगातार मतलब पिछले तीन दिनों से मैं चार पांच गेम ऐसे से मतलब ख़त्म हुआ है मेरा, जो कि है नंबर 4 के पोजीशन पे आके, और एक गेम पे तीन बंदे एक साथ घर के अंदर लैंडमाइन लगा के टीमिंग कर रहे थे। वो एक अच्छे मतलब पॉपुलर गिल्ड के बंदे हैं, मतलब बहुत लोग उनके गिल्ड के नाम से भी उनको जानते हैं। उन गिल्ड में से मतलब एक गिल्ड का बात कर रहा हूँ मैं, जिस गिल्ड के तीन बंदे एक साथ घर के अंदर टीमिंग कर रहे थे। एक और गिल्ड के दो बंदे था, एक और गिल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और गिल्ड की बात कर रहा हूँ, जिस गिल्ड के दो बंदे ने एक साथ टीमिंग कर रहा था, मैं उनका स्क्रीनशॉट ले पाया था। क्योंकि ज़्यादातर टीमिंग वाले बंदे आपको मिलता है तो लास्ट पे मिलेगा, पहले तो नहीं मिलेगा क्योंकि पहले ये लोग छुप के बैठे रहते हैं, लास्ट पे ये लोग जो है लास्ट वाले बंदे को मारते हैं, ठीक है। तो मैं एक गिल्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं चाहता था उनका फ़ोटो दिखा सकता था क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि उनका नाम खराब हो, लेकिन मैं उनको इसलिए एक्सपोज कर रहा हूँ क्योंकि उन लोगों ने मार के इमोट दिखा रहा था, ये बहुत गुस्से वाली बात आई मुझे। और उनका नाम था आइकॉनिक, ऐसा ही कुछ नाम था, मैं चाहता था तो उनको मतलब उनका फ़ोटो दिखा सकता था आपको, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं उनको चाहता हूँ कि एक सुधरने का टाइम दिया जाए। भाई मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ, जो भी लोग यहाँ पे टीमिंग करके खेलते हो, मैं उन सभी से बोलता हूँ कि ये भाई एक गेम है, इसको एज ए फन ले ओ, मतलब इसको ज़्यादा ऐसे सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी गेम को लेने की ज़रूरत नहीं है। एक गेम है जिसको अगर आप फन के रूप पे लोगे तो ठीक है, ये लोग इसको जो है ऐसे करके लेते हैं और यहाँ पे लोगों को मार के इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आपके पास उन प्लेयर्स की आईडी है जो कि टीमिंग करके खेल रहे थे, तो आप बता सकते हो मुझे इस वीडियो के कमेंट पे। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, फ्री फायर हर एक अपडेट पाने के लिए। और गेमर्स जोन का चैट रूम ज्वाइन कर लो, कल शाम को 7 बजे तैयार रहना, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मिलता हूँ आपसे एक और फ्रेश वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। शुरुआत इतनी धमाकेदार, कर ले हाथ हमसे आके चार, जीत है अपने खून में, देख के हमें दूर भागे हार, अलग है कुछ तो स्क्वाड में, जब बंदे आते हम साथ में, फिकर ना करते ट्रिगर से भरते जिगरा बहुत है हार्ट में, करते हम फ्लाई रहते हैं हाई, रहेगा दूर तो तेरी है भलाई, करेगा लूट तो तेरी दुलाई।